चलिए नाउ स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया था, ठीक है ना। इस क्लास में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स के। चलिए स्टार्ट करिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन आपसे बोल रहा है, इफ 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप और प्लस सी के कैप is a unit vector, ठीक है, is a unit vector, then the value of c, then the value of c, c की value निकालिए। options, option a में आपको दिया हुआ है 0.11, option b में आपको दिया हुआ है 0.22, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है 0.33 एंड ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है 0.89। सही है, चेक कर लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा बताइए। हर क्वेश्चन से आपको, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से चेक करिए यूनिट वेक्टर का कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, सही है ना। तो ध्यान से चेक करिए, देखिए इसका मतलब इस यूनिट वेक्टर का, सपोज इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ये ए कैप है ना, ये एक यूनिट वेक्टर है ए कैप, तो इसका अगर हम मॉड निकालेंगे तो 1 आएगा, है ना। इसका मॉड हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और इसका मॉड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताइए। आई के कोफिशियंट का स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर और प्लस 0.8 का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर, और जो इसका मॉड होगा, मॉड ऑफ ए कैप वो 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो मॉड ऑफ ए कैप की जगह 1 लिखोगे इज इक्वल्स टू 0.25 हो जाएगा ये, ठीक, और प्लस 0.64 और प्लस सी का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर रूट है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, 0.25 प्लस 0.64 कितना हो जाएगा, 0.25 प्लस 0.64, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 0.89। नाउ 0.89 और प्लस c का स्क्वायर, करेक्ट, ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 0.89 करोगे कितना आएगा, 1.00 कितना आएगा, 0.11, चेक कर लो, ठीक, यस, इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.11, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 0.11 का जो स्क्वायर रूट होगा वही क्या होगा आपका, सी होगा, ठीक। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके, और ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, अब बस क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही मिलेगा आपको वेक्टर का एग्जाम में। देखिए क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा, इफ द रिजल्टेंट, और क्वेश्चन से आपको बहुत सारे टॉप, आप कह सकते हो एज अ टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स एंगल विद मेक्स अल्फा एंगल विद ए, अल्फा एंगल विद ए एंड बीटा विद बी, देन ऑप्शंस देखिए, देन इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए कह रहा अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा ऑलवेज, ठीक। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स बोला उसने आपसे अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा, करेक्ट, इफ ए इज लेस देन बी, इफ ए इज लेस देन बी, ए क्या है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी क्या है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ओके। नाउ ऑप्शन सी कह रहा है कि अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज ग्रेटर देन बी
एंड ऑप्शन डी अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज इक्वल्स टू बी, करेक्ट। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अब ध्यान दो बच्चों, कहा ये कह रहा है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स अल्फा विद ए, है ना। समझो, देखो मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक, और ये कोई वेक्टर बी है, और ये है इसका रिजल्टेंट, ये इस तरीके से, ठीक ठीक है। और ये देखिए बच्चों, ये ए है आपका वेक्टर ए, है ना, और ये आपका रिजल्टेंट है, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर ए और बी का एडिशन, है ना, वेक्टर एडिशन, और ये आपका वेक्टर बी। अब ध्यान दो बच्चों, ये एंगल अल्फा, उसने बोला ना कि भाई ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ अल्फा बना रहा है, ठीक है ना। तो बताओ कौन सी कंडीशन सही होगी। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से चेक करिए, यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि देखो जो वेक्टर ज्यादा लंबा होता है ना, रिजल्टेंट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। बात ध्यान से सुनिए बच्चों, जो रिजल्टेंट जितना, देखिए आपने यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा आपको फील करना पड़ेगा यहाँ, ये देखिए, जो वेक्टर जितना ज्यादा लंबा का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए, ठीक, कुछ नहीं किया हमने, वेक्टर ए को एक स्केलर क्वांटिटी से छोड़ो, ये आप ये देखो, वेक्टर ए पहले ऐसे था, इसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, एक नया वेक्टर आया, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, या सीधे शब्दों में बस आप ये देखो कि अगर हम ए को ऐसा बड़ा अज्यूम करें या इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा अज्यूम करें और बी को पैरेलली शिफ्ट कर दें, बी को उठा के पैरेलली शिफ्ट करेंगे ए के साथ को इनिशियल, ये इस तरीके से, ठीक। अब आप ध्यान से चेक करिए क्या कि इसका जो रिजल्टेंट है ना, अब वो इस तरीके से नहीं आएगा, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि पता है ये चीज आप कैसे फील करोगे, ये चीज आप फील करोगे पैरेललोग्राम बनाकर, ये और इसका अगर पैरेललोग्राम बनाते कुछ ऐसा बनता, ये देखो ये ऐसा था रिजल्टेंट अभी, ठीक, लेकिन जैसे ही तुमने ए को बढ़ाया, यानी कि ए को बी से बड़ा कर दिया, तो ये तुम फील कर रहे होगे इसका रिजल्टेंट थोड़ा इधर ए की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अब अल्फा भी बढ़ गया, सॉरी अल्फा घट जाएगा, अल्फा डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ अल्फा बढ़ा था, यहाँ अल्फा कम होने लगा, ठीक है ना। तो अब आप थोड़ा सा ये समझिए कि रिजल्टेंट उधर ही शिफ्ट होता है जो वेक्टर बड़ा होता है और एंगल छोटा हो जाता है, रिजल्टेंट का एंगल उस वेक्टर के साथ, कौन से वेक्टर के साथ, रिजल्टेंट का एंगल उस वेक्टर के साथ जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है के साथ कम कम होता है, अल्फा की वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्या आप थोड़ा सा सोच सकते हो, है ना। और जो लोग अभी भी नहीं सोच सकते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं भाई, ध्यान से चेक करो, आपको सोचना ही चाहिए, देखिए आपको सोचना ये चाहिए, अगर आप वेक्टर ए की लेंथ और ज्यादा कर लो, लो अब खुश, अब सही है, अब तो फील करोगे, देखो, और वेक्टर बी को ऐसा ही रहने दो, वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट कर दिए, अब बताओ क्या होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम कंप्लीट करो कुछ इस तरीके से, ये लो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसका रिजल्टेंट ये आएगा इस तरीके से, अब बताओ, अब तो फील कर सकते हो आप, ये और इधर ए की तरफ शिफ्ट हो गया, अगर ए की लेंथ आपने बढ़ा दी तो, ठीक है, तो अल्फा और छोटा हो गया, तो रिजल्टेंट किधर की तरफ रहता है, रिजल्टेंट इज टुवर्ड्स द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज मोर, और उधर का एंगल छोटा होता है, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, अल्फा, अल्फा एंगल ए के साथ रिजल्टेंट का, ए और बी दो वेक्टर हैं, बताइए कौन सा होगा, क्या अल्फा हमेशा बीटा से बड़ा होगा, अच्छा बीटा तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है ना, बीटा ये रहा रिजल्टेंट बी के साथ बनाएगा, ये रहा बीटा, ये रहा बीटा, हाँ क्या हमेशा अल्फा बीटा से बड़ा रहेगा, बताइए, ऐसा नहीं है, अल्फा हमेशा बीटा से बड़ा नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, देख लेते हैं भाई, आप सी बता रहे हो, मैं देखता हूँ, चेक करना पड़ेगा, है ना, कह रहा है कि अल्फा बीटा से छोटा रहेगा, हाँ ठीक है, अल्फा बीटा से छोटा है कब, जब ए की वैल्यू बी से बड़ी है, सही है, बी नहीं होगा, अल्फा बीटा से छोटा है लेकिन ए बी से छोटा होगा तब ऐसा नहीं होगा, जब ए बी से बड़ा होगा, तो ये सिचुएशन आपको विजुलाइज करनी होगी, अल्फा बीटा से छोटा होगा जब ए बराबर बी होगा, नहीं ऐसा नहीं, जब ए बराबर बी होगा, ठीक है ना, तब तो बीचो बीच से जाएगा, तब तो रिजल्टेंट बीचो बीच से जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा और बीटा भी अल्फा के इक्वल हो जाएगा, यानी कि थीटा बाय टू, थीटा बाय टू वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक, सही है। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको एक कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट करना है, नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट यूज्ड, रिजल्टेंट इज मोर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, रिजल्टेंट
is more inclined towards the vector whose magnitude is large, जिस वेक्टर का बच्चों मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, ठीक है ना, रिजल्टेंट उसी तरफ इंक्लाइंड रहता है, ऐसा आप समझ लो, ठीक। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन से ही आपको सीखने को मिलेगा, उसी से आप सीखिए, उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए प्लस बी बराबर सी, है ना, इफ वेक्टर ए का एडिशन वेक्टर वी के साथ कितना है, वेक्टर सी है, ठीक, और कह रहा है एंड ए प्लस बी बराबर सी। सुन लो ध्यान से, दोनों बातों में अंतर, ये मैग्नीट्यूड का सम है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ऐड करने पर रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है, ठीक, और जो वेक्टर ए और बी का वेक्टर एडिशन है उसका रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर सी है, दोनों बातों में अंतर है, ठीक। द एंगल बिटवीन ए एंड बी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, ऑप्शंस हैं 0, ऑप्शन बी इज पाई बाई 4, ऑप्शन सी इज पाई बाई 2 एंड ऑप्शन डी इज पाई, ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ हो सकते हैं, बहुत आसान है, सी बराबर ए प्लस बी दिया हुआ है, बनाओ डायग्राम और सोचो, ये ए है, ये बी है, या आप ऐसे कर लो, ये ए है, ये बी है, ठीक, दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है, इसमें भाई क्या ही भूलने वाला है, इसमें तो कुछ भूलना ही नहीं चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे क्या क्या आएगा आंसर, बताओ भाई, वो कह रहा है ना, ये देखो ये ए है, ये बी है, ठीक, और रिजल्टेंट क्या आ रहा है बताओ, सी आ रहा है, हमने कहा ठीक है भाई, यानी कि वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस बी, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आप देख सकते हो यहाँ, ठीक। उसके बाद उसने बोला नहीं, ए प्लस बी मतलब ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका जो सम है वो सी के इक्वल है, ऐसा कब होता था, भूल चुके हो लग रहा है, यही तो आर होता था, याद है, और आर बराबर ए प्लस बी कब होता था, आर की जगह सी, बताओ ऐसा कब आता था, जब थीटा कितना होता था, भूल चुके हो सब, जब थीटा कितना होता था बताइए, हाँ वेरी गुड, ठीक, तो जब थीटा कितना होता था, जीरो होता था, याद आया आप लोगों को, तब आर बराबर यानी कि आर बराबर ए प्लस बी आता था, हाँ, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाले कॉन्सेप्ट से, तो खुद सोचो भाई, आर की जगह बस उसने सी नाम यूज कर लिया, दे तो दिया है सी बराबर ए प्लस बी, तो अब खुद सोचो जरा, क्योंकि यहाँ पे खुद सोचो ना कि भाई सी क्या है, वेक्टर एडिशन ए और बी का है, तो बी ए के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, जीरो, यानी कि सिचुएशन ऐसी रही होगी, ए और इसी डायरेक्शन में है बी, करेक्ट, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, जीरो है, सही है ना, तो थीटा अगर जीरो है, ठीक है ना, तभी तो आपका जो वेक्टर सी आएगा वो ए और बी का एडिशन हो जाएगा ना, चेक कर लो, सी बराबर, या जो इन दोनों ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, रिजल्टेंट की बात, वो ए और बी के रिजल्टेंट के सम के इक्वल होगा, तो थीटा कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक। अब सुनो, लेकिन इसी क्वेश्चन को, ये तो सोचने का तरीका था, है ना, सोच के इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब इसी को आप मान लो ये दो नंबर में स्कूल में आ गया तब कैसे करेंगे, है ना, मान लो ये टू मार्कर क्वेश्चन स्कूल में आ गया तब कैसे करोगे, तब तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब ध्यान से करो, सी क्या रिजल्टेंट है, यस सर, है सर, तो सर एक बार बताइए सी का फॉर्मूला क्या होगा, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला, आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, प्लस टू ए बी क्या, कॉस, कॉस क्या, कॉस थीटा, जहां पे थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है, जो तुम निकालना चाहते हो यहाँ पर, ठीक। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ सी की वैल्यू क्या दी थी उसने, ए प्लस बी, तो सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं, सही है, इज इक्वल्स टू में, और सी का स्क्वायर करोगे यानी कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी कॉस थीटा, सही है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको एक्सपैंड करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, लेफ्ट हैंड साइड ऐसा आ जाएगा, राइट हैंड साइड
ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी कॉस थीटा, सही है। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चल गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, टू ए बी इज इक्वल्स टू टू ए बी कॉस थीटा। अब ये टू ए बी इधर आके डिवाइड करेगा तो टू ए बी अपॉन टू ए बी वन, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन, सही है। तो कॉस थीटा वन कब होता है, जब थीटा कितना होता है, जीरो होता है, ये लीजिए। यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, जीरो। इस तरीके से भी हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते थे, ठीक है। या तो इसको सोच लो आप, या तो आप इसको थ्योरेटिकली सॉल्व कर लो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल उसने आपको दिया, कहता है कि इफ पी प्लस क्यू, फिर से वैसा ही कुछ लगभग लग रहा है मुझे सवाल। देखिए क्वेश्चन देता है आपसे, कह रहा है कि भैया देखो, इफ वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू का जो वेक्टर एडिशन है वो आर के इक्वल है, एंड एंड वेक्टर पी का जो मैग्नीट्यूड है और वेक्टर क्यू का जो मैग्नीट्यूड है, करेक्ट, वो आपस में इक्वल है और रूट थ्री के इक्वल है, करेक्ट। कह रहे एंड वेक्टर आर कितना है, एंड वेक्टर आर नहीं, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इन दोनों के वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो थ्री दिया हुआ है। देन ये बहुत अच्छा सवाल है, देन द एंगल बिटवीन, देन द एंगल बिटवीन स्टूडेंट्स P एंड Q is, ठीक है, ये भी आराम से थ्योरी से भी सॉल्व हो जाएगा और सोच कर भी आराम से एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं इसको थ्योरेटिकल तरीके से दिखाता हूँ। देखो ऑप्शंस ए इज जीरो, ऑप्शन बी इज स्टूडेंट्स पाई बाई सिक्स, ऑप्शन सी इज पाई बाई थ्री एंड ऑप्शन डी इज पाई बाई टू, करेक्ट। अब ध्यान दो जरा यहाँ से, देखो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, याद है p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, जहां पर p और q क्या है, p और q के मैग्नीट्यूड्स हैं, और प्लस 2pq, ठीक है ना, cos थीटा। डायग्राम कैसे बनेगा सोचोगे अगर, तो p ये रहा, q ये रहा, एंगल कितना है थीटा है, ये रिजल्टेंट है, लो थीटा निकालना है, ठीक। सो r की वैल्यू कितनी है, r का मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 3, तो 3 बराबर रूट ओवर है ना p का स्क्वायर, p का मतलब मॉड ऑफ p कितना है, रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक, और प्लस q कितना है, यानी कि मॉड ऑफ q रूट थ्री का स्क्वायर। अब जल्दी से देखना, 2 इंटू p की जगह रूट थ्री, q की जगह रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री थ्री, सो 2 थ्री जा 6 cos थीटा, सही है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा भाई, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां से स्क्वायर रूट हटेगा, रूट थ्री का स्क्वायर 3 प्लस 3 प्लस 6 cos थीटा, 3 प्लस 3 6 होता है 9, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6 cos थीटा, नाउ 9 माइनस 6 3 इज इक्वल्स टू 6 cos थीटा, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय 2, अगर हो जाता है तो थीटा को कितना होना पड़ेगा, 60 डिग्री, लो 60 का मतलब होता है पाई बाय 3 रेडियंस, ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका सोचने का ये है, डायरेक्ट कैसे करोगे, अगर आपने पीछे के नोट्स ठीक से पढ़े, लेकिन स्कूल में आपको ऐसे ही करके दिखाना है, किसी कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाएगा तो किस तरीके से हैंडल करेंगे आप खुद सोचो। ये पी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, रूट थ्री, क्यू का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, रूट थ्री, सुन लो ध्यान से, और यहाँ रिजल्टेंट का कितना दे दिया उसने, बताइए रिजल्टेंट का कितना दे दिया है, 3 दे दिया, तो ये 3 आया कैसे होगा, सिचुएशन विजुलाइज करिए स्टूडेंट्स, ये क्या कहानी चल रही है, एंगल आप डायरेक्ट निकाल लोगे। याद है आपको पढ़ाया गया था कि अगर ये P है और ये भी अगर P है, ठीक, तो इसका रिजल्टेंट कितना आता था, P रूट थ्री। अब बताओ ये कब आता था, पीछे नोट्स देख के बताइए कब आता था, अगर ये P था ये भी P था तो P रूट थ्री कब आता था, ये एंगल कितना होता था उसके लिए, नोट्स लिखवाए 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 से कैलकुलेट करा के 60 डिग्री, तो अब बताओ क्या ये यही नहीं चल रहा है, चेक कर लो P की जगह क्या है, रूट थ्री, हाँ, तो रिजल्टेंट को कितना आना पड़ता, P रूट थ्री, और P की वैल्यू क्या देके रखा है, रूट थ्री, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो P की जगह रूट थ्री रखोगे तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री ही तो आ जाएगा, तो रिजल्टेंट थ्री तो दिया हुआ है, सही है, तो डायरेक्ट एंगल कितना आ जाता, 60 डिग्री। मतलब अगर किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएगा तो सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे सॉल्व, सीधे टिक करके आएंगे, स्कूल में आएगा तो ऐसे करके आएंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है आपसे, कह रहा है साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक साइकिल वाला है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद कॉन्स्टेंट स्पीड, स्पीड उसकी कॉन्स्टेंट है यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है वो विद कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक कह रहा है व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी, व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब्ड आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब्ड After it has described an angle of 60, an angle of 60 degree. अब ये एक अच्छा सवाल है और ये सवाल नहीं है टॉपिक है और ऐसे ही सवाल आपको सर्कुलर मोशन में भी मिलेंगे। ठीक है तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं लेकिन ये एज अ टॉपिक आप पढ़ सकते हो इसको। देखिए वी रूट टू, ऑप्शन बी इज आपका वी एंड ऑप्शन सी इज आपका वी रूट थ्री एंड ऑप्शन डी इज आपका नन ऑफ दीज। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, नन ऑफ दीज। अब सुनो देखो, अगर उसने हमसे ये बोला होता ना, देखो एक साइक्लिस्ट है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ है और इस पे एक साइक्लिस्ट चल रहा है। ठीक है भाई चलने दो उसको इस तरीके से है ना, तो एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है तो चेंज इन स्पीड कितना निकलेगा, चेंज इन स्पीड कभी भी निकालोगे जीरो आएगा, स्पीड में थोड़ा कोई चेंज होगा, स्पीड में तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हो। मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कितने से 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक मान लो उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, कितनी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक तो भाई यहां पे भी 5 मीटर पर सेकंड है उसकी स्पीड, ठीक यहां से घूमते यहां पहुंचेगा यहां पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड में नहीं चेंज हो रहा है, स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है वो 5 मीटर पर सेकंड का 5 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब सुनिए सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। सुन लो ध्यान से, मान लो ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इस तरीके से, तो किसी पॉइंट पे जैसे इस पॉइंट पे हमने पूछा भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक अब वो घूमते घूमते यहां पर आ गया, ठीक ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यहां आ गया तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यहां आ गया तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यहां आ गया तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है ना, अच्छा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी पता होगा आपको, डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक अच्छा तो आप जरा सवाल भाई पढ़ लो और देख लो क्या चल रहा है ना। ठीक है पहले हम इसको जनरलाइज वे में सॉल्व करते हैं सवाल को, जिससे फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, यदि आप चाहें तो वो फॉर्मूला याद कर सकते हैं और वो फॉर्मूला आप किसी भी केस में लगा सकते हैं। सवाल देखो, सवाल इनको छोड़ो, आप इनको इनका सवाल छोड़ो, पहले आप सिचुएशन देखो चलता क्या है ऐसे क्वेश्चंस में। एक सर्कुलर पाथ होगा, ये इसका सेंटर है, ठीक और मान लो अभी पार्टिकल यहां पर है, ठीक और यहां से हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी ये इस तरीके से, ठीक और इसकी रेडियस है मान लीजिए आर, रेडियस कितनी है आर है, सेंटर है ओ, करेक्ट। अब मान लीजिए पार्टिकल अभी यहां है इनिशियली, ठीक पार्टिकल अभी यहां है इनिशियली, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी वाला वेक्टर है v। मान लो पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है और डायरेक्शन सॉरी डायरेक्शन आपको दिखाई पड़ रही है। अब ये घूमते 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 आएगा, अब मान लो इसने t टाइम में थीटा एंगल घूम लिया, मतलब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये इस तरीके से होगी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, ओके। ये यहां से जब ऐसे घूमा तो इसके रेडियस ने कितना एंगल ट्रेस किया, ये सेंटर पे इसके रेडियस ने मान लो थीटा एंगल बनाया, अभी भी इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वी है लेकिन डायरेक्शन क्या है दिखाई पड़ रही है आपको, डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है तो ये चीज है, ठीक है ना। सुनो वी इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है मॉड वो कितना है v, v फाइनल का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है v, ठीक है तो चेंज इन स्पीड कितना है जीरो, स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन वेलोसिटी में चेंज हुआ है क्योंकि डायरेक्शन में चेंज हुआ है। ठीक है बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन सी तो नहीं होगा इसमें, अच्छा वो काफी देर पहले बताया होगा,
इसमें ऑप्शन सी बता रहा हूँ, नहीं इसमें ऑप्शन सी नहीं, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो आप, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए मान लीजिए कि ये एक जनरलाइज फॉर्मुला हम कर रहे हैं, मैं हेडिंग लगा देता हूँ, हम एक जनरलाइज फॉर्मुला बना रहे हैं, जब भी सर्कुलर मोशन वाले सवाल आएंगे है ना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एस्केलेशन, ऐसा कुछ आपसे, तो दिस इज जनरलाइज्ड केस, ठीक। अब ध्यान दें क्या करेंगे, यहां से देखिए, यहां से आप क्या करो, एक काम करो, यहां से आपने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, ये ऐसे, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, और यहां से ऐसे, यहां से आपने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पे ये ऐसे, ठीक, और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी जो कि इस रेडियस के पैरेलल है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, दिखना तो चाहिए भाई, दिख रहा होगा, सुनो, ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना बचा, इसको x मान के निकाल लो, x प्लस थीटा प्लस 90 बराबर 180, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, तो क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा, ठीक, तो x की वैल्यू 90 माइनस थीटा, यानी कि ये जो x है कितना आ रहा है, 90 माइनस थीटा, सही है, ओके नाउ, अब तो ये एंगल कितना बनेगा, बचेगा, क्या आपको पता है रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है, 90, तो ये फुल एंगल कितना था, फुल एंगल 90 था, यानी कि x, ये येलो वाला x, येलो वाला x, और प्लस ये ब्लू कलर वाला जो आपको निकालना है, और ब्लू कलर वाला मान लो y, तो इसका दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री, क्यों, ये रेडियस है O से यहां तक, और ये टेंजेंट है, जो वेलोसिटी वाला वेलोसिटी वेक्टर है वो एक तरीके से टेंजेंट है, और टेंजेंट रेडियस पे 90 बनाती है, यानी कि x plus y is equal to 90 होना चाहिए, सही है, तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस x, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस, और x का वैल्यू ब्रैकेट में रख दो, x कितना है, 90 माइनस थीटा, y बराबर 90 माइनस 90 और प्लस थीटा, 90 से 90 कैंसिल, y बराबर आ गया थीटा, बस मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं, अब आप चेक कर लो, अगर y थीटा है, ठीक है ना, तो y अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा कहीं ना कहीं, कौन सा, ये वाला एंगल, बहुत अच्छा तो आ नहीं रहा है, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, कौन सी लाइन के साथ देखोगे, लेकिन ये भी प्रॉब्लम है ना, ये इसके साथ वर्टिकली, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली है ना, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, शायद मैं इधर देखो जरा, ये जो ध्यान से चेक करना, ये जो वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है, ये वाला, ठीक, ये वाला जो वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है, ठीक, ये वाला, और ये जो डॉटेड येलो वाली लाइन है, चेक कर लेना, ये जो डॉटेड येलो वाली लाइन है ना, तो ये जो y इधर बना हुआ है वर्टिकली ऑपोजिट से, ये भी y होगा, बस मैं ये बताना चाहता हूं आपको, चेक कर लो भाई, येलो वाली लाइन, सॉरी येलो वाली लाइन कह रहा हूं, ये वेलोसिटी इधर देखो पीछे से, अरे ये v वाली लाइन ऐसे, ठीक, और येलो वाली लाइन ऐसे करके आ रही, तो वर्टिकली ऑपोजिट ही तो बनेंगे, ठीक, तो ये मैं निकाल चुका हूं, तो ये नहीं आ जाएगा, ठीक, तो यहां से पीछे से ये अगर y है, अरे अभी दूसरा तरीका डायरेक्ट बता दूंगा, ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा y, और y की वैल्यू कितनी आ रही, थीटा, मतलब ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है, इसको सोचने का दूसरा तरीका है, कैसे, ध्यान से चेक करो जरा, ये वेलोसिटी वेक्टर रेडियस पे टेंजेंट है, अब ये ऐसे ऐसे जब घूमेगा, ऐसे ऐसे जब घूमेगा, ऐसे ऐसे जब घूम के यहां पे आएगा, ठीक है ना, चेक कर लो, ये रेडियस ने कितना एंगल घूमा, थीटा, ठीक, तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये वाला, ये जो वेलोसिटी वेक्टर दिख रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होगा, इस पॉइंट पे ऐसा होगा, इस पॉइंट पे ऐसा होगा, ठीक, तो वेलोसिटी वेक्टर भी इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल घूमेगा, थीटा, ये सोचने का दूसरा तरीका है, बताइए कैलकुलेशन करना आया कि नहीं आया, बताइए ये कैलकुलेशन करना आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, नहीं आया समझो, कुछ भी नहीं आया, अरे सिंपल क्लास 10th का लगाया मैथमेटिक्स भाई, आया, जल्दी बताओ, नहीं आगे नहीं समझ में आएगा, अब ध्यान से सुनो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब आप ध्यान से चेक करो, ये वाला जो वेलोसिटी वेक्टर है v, ठीक है ना, इसका डायग्राम हम इस वेलोसिटी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ कहाँ, किसी कार्टेशियन सिस्टम में, यहाँ पे, तो ये वाले वेलोसिटी वेक्टर को लेके आओगे यहाँ पे, ये ओरिजिन है आपका, ये v, ठीक, ये इनिशियल वाला है, और ये वाला जो v है, इसने भी तो इस वर्टिकल के साथ, यानी कि इस v, भाई आप खुद सोचो ना, कि अगर इस v को लाके यहाँ पे आप शिफ्ट कर दो,
इस v को लाके, मतलब इसी को आप मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस v को लाके यहाँ फिट यहाँ पे फिक्स कर दो इस वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे पैरेलली शिफ्ट करके, तो ये वाला v और ये वाला v एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएंगे, थीटा। बस मैं आपको यही दिखाना चाहता था, ये इस तरीके से, ये भी क्या है v, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। हाँ नहीं समझ में आया वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला, कुछ नहीं किया है यहाँ पे, देखिए जरा ये एक सर्कल है ठीक, और इस सर्कल में ये सेंटर है और ये आपका रेडियस वाला लाइन है इस तरीके से, ओ है और इसकी रेडियस है मान लो आर, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे एक पार्टिकल जा रहा है। अब यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ये ऐसे, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है क्योंकि वेलोसिटी को हम टेंजेंट से दिखाते हैं, अगर आप चाहें तो इस पर आप वेक्टर भी लगा सकते हो और मॉड ऑफ वी जो है वो वी के इक्वल है ठीक, और ये क्या आपका मॉड ऑफ वी इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी। अब थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल इधर कहीं आ गया, मान लो यहां आ गया इस पॉइंट पे ठीक, तो क्या होगा इस पॉइंट पे आएगा तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे इसकी वेलोसिटी बताने के लिए, ये वेलोसिटी है और यही वी फाइनल का मॉड है, वी फाइनल वेक्टर यानी कि मॉड ऑफ वी, वी फाइनल है ठीक, और दोनों के मॉड इक्वल हैं। अब क्या होगा यहां से, ध्यान से चेक करिएगा, हमने क्या किया, आप कार्टेशियन प्लेन बना लो, पहले कार्टेशियन सिस्टम बना लो, ये हो गई वाई एक्सिस, इस पॉइंट से ऐसे कर लो और इसी पॉइंट से आप एक एक्स एक्सिस बना लो जो कि इस रेडियस के पैरेलल होगी, बस इतना समझ में आ रहा है। अब बताओ कि आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं कहीं पे, वो अभी आपको दिखेगा, रुक जाओ। अब आपने क्या किया यहाँ पे, इस तरीके से इसको ज्वाइन किया सेंटर से ठीक। अब ये पार्टिकल जब इधर से इधर घूम के आया तो मान लो सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा, ये हो गया 90 सही है। अब एक बार बताओ जरा कि इस वेलोसिटी वेक्टर को जब पीछे आप और बढ़ाओगे तो उसका लाइन ऑफ एक्शन मिलेगा पीछे, ये इस तरीके से लो। अब आपको मैं एंगल दिखा रहा हूं रेड कलर से, ये वाला एंगल रेड कलर से और ये वाला, क्या आपस में इक्वल नहीं होगा वर्टिकली ऑपोजिट से, बताइए बताइए, इक्वल होगा, बस कुछ नहीं किया भाई, कैलकुलेशन करिए, चेक कर लो सबसे पहले। और हाँ एक चीज और बता रहा हूं, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये पूरा एंगल 90 होगा ठीक, तो ये पूरा अगर एंगल 90, इसको मैंने x माना और इसको मैंने y माना, तो ये भी y आ जाएगा, ये रेड कलर वाला y आ जाएगा और x प्लस y किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल होगा, तो x प्लस y हो जाएगा किसके इक्वल, 90 के इक्वल। और x की वैल्यू निकाल लो, पहले ट्राइंगल से निकालोगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल x प्लस थीटा प्लस 90, चेक कर लो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, x प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180 सही है। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, x की वैल्यू, तो x कितना आ जाएगा बताओ, 90 उधर जाएगा, 180 माइनस 90 90 और थीटा उधर जाएगा 90 माइनस थीटा, तो x आ गया 90 माइनस थीटा, इसमें रख दो x की जगह, 90 माइनस थीटा प्लस y बराबर 90, 90 से 90 गया माइनस थीटा उधर जाएगा, तो y का वैल्यू प्लस थीटा यानी कि थीटा लो, तो y थीटा है, तो यही मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, ये रेड कलर वाला जो एंगल है यही आपका थीटा है, को डाउट है बताइए ठीक। और सीधी साफ बात है, साफ साफ दिखाई पड़ता है, इतना सोचना नहीं कहाँ गया, ये वेलोसिटी वेक्टर था, ये पेन वेलोसिटी वेक्टर और ये इसका रेडियस है, चेक कर लो, वेलोसिटी वेक्टर पे रेडियस परपेंडिकुलर है, तभी रेडियस, अभी रेडियस ऐसा है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, जब ये चलेगा टक 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 टक, यहाँ जब ये घूमेगा इस तरीके से ठीक, तो जितना यहाँ एंगल थीटा चला होगा तो ये वेलोसिटी वेक्टर इन ये वर्टिकल लाइन से उतना ही तो इधर आया होगा, वही तो कहानी चल रही भैया, इस वेक्टर को लाके इधर शिफ्ट कर दो तो पता चल जाएगा इसकी डायरेक्शन कितनी चेंज हुई, इसको लाके इधर शिफ्ट करो वाई एक्सिस पे तो ये कितना घूमे पता चल जाएगा ना, उतना ही घूमेगा जितना यहाँ पे एंगल सेंटर पे बना हुआ है ठीक। तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि ये एंगल थीटा कैसे आया ज्योमेट्री की हेल्प से, एक बार निकाल के याद कर लेंगे इस प्रोसेस को कि यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ये वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, थीटा ठीक। अब ध्यान से सुनो जरा, अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, बस वही है पुरानी कहानी अपनी, लो y एक्सिस
और ये हो गई x एक्सिस, ठीक है। और उसके बाद ये रही तुम्हारी इनिशियल वेक्टर वेलोसिटी, लाके इधर शिफ्ट करो यहाँ पे, ओके। और क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसको मैं वेक्टर वी से दिखाऊंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे वी आई क्यों नहीं लिखा, अरे भाई वी से दिखा दो ना यार, तुमको आंखों से दिखाई तो पड़ रहा है, ये वाला वेलोसिटी इनिशियल वाला इधर है और फाइनल वाला किधर है, जाके देखो इनिशियल वाला इधर फाइनल वाला, ठीक। तो इसको लाके जब इस पर फिट करोगे, खुद सोचो भैया, इसको उठा लो, लो ये है, इसको लाके यहाँ चिपकाओ। अब बताओ इनिशियल के साथ फाइनल थीटा ही तो बना रहा है, ठीक। तो यही चीज मैं यहाँ दिखा दूंगा तो कोई दिक्कत, ये वी फाइनल को लाके यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे चेक कर लो, ये वी इनिशियल है तुम्हारा और वी फाइनल ऐसे करके आएगा, ठीक। ये वी फाइनल ऐसे करके आएगा और यहाँ पे एंगल क्या बन गया, थीटा, चेक कर लीजिए, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, अब आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए बोला उसने, क्या बोला उसने आपको, क्या बोला उसने आपको, क्या निकाल के दो, चेंज इन वेलोसिटी निकाल के दीजिए, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको निकाल के देना है, ठीक। अब ध्यान सुनो, चेंज इन वेलोसिटी यदि आपको निकालना है, अब आप खुद सोचो भाई, चेंज इन वेलोसिटी का मॉड निकालना है, एक तरीके से मॉड ही निकालोगे, डायरेक्शन तो फिगर में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा बताओ, मॉड ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल निकलेगा। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा, उस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करके जो रिजल्ट आ रहा होगा वो भी एक वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड मांग रहा है वो। सुन लो ध्यान से, v फाइनल माइनस v इनिशियल करके जो वेक्टर आ रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड मांग रहा है वो। भाई v फाइनल क्या है, वेक्टर है, v इनिशियल क्या है, वेक्टर, वेक्टर माइनस वेक्टर है, वेक्टर आएगा और उसका मैग्नीट्यूड मांग रहा है वो। यही तो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी भी एक वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए उसको, ठीक है ना। तो अब बताइए, क्या कल की क्लास में आपको नहीं पढ़ाया गया कि चेंज इन वेलोसिटी निकालने चले थे, लेकिन भैया यहां तो सबसेक्शन वाला केस आ गया और सबसेक्शन वाले केस में क्या पढ़ाया था उसने कि वेक्टर को पलट कर, ये वाले वेक्टर को पलट के निकाल लो। अब आप चेक करो v की, ये वाली v की, v इनिशियल तो ऐसे रहेगा, v फाइनल की डायरेक्शन नहीं, सॉरी सॉरी, डायरेक्शन किसकी चेंज होगी, चेक करो, वी एफ माइनस वी आई करना है ना, हाँ। तो v फाइनल तो ऐसे ही रहेगा, v इनिशियल की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो v इनिशियल की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ये ऐसे, ये इधर v था तो ये माइनस v हो गया, ठीक। अब आप चेक कर लो, अब वेक्टर का डिफरेंस लेना है, किसका किसका, भैया कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये हो गया अब आपका क्या, ये हो गया आपका माइनस वी इनिशियल वेक्टर और ये क्या था आपका, वी फाइनल वेक्टर, ठीक। आपको क्या निकालना है, वी एफ माइनस वी आई, यानी कि वी एफ में से वी आई सब्ट्रैक्ट करना है, तो फाइनल वाला ऐसा ही रहेगा और जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो वी इनिशियल ये था, हमने क्या किया, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब इसका और इसका रिजल्टेंट कहां आएगा, और उससे पहले एक चीज और, ये थीटा है तो कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा, ये कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा, सही है, ये वाला एंगल। अब बताओ ये रहा और ये रहा, इनका एडिशन ही तो करना है एक तरीके से, क्यों भाई, किसका, वी फाइनल का और माइनस वी इनिशियल का एडिशन ही तो करना है ना, समझ रहे हो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना भी क्या था, वेक्टर एडिशन ही तो था, तो इसका और इसका वेक्टर एडिशन जब तुम करोगे रिजल्टेंट किधर आएगा, ये इस तरीके से यहां कहीं आएगा। अब बस इसी आर के बारे में पूछा है, यही आर जो है भैया, यही आर जो है वो क्या है, वी एफ और प्लस माइनस वी आई वेक्टर है, देख लो इसका और इसका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, ये रहे पैरेललोग्राम के साइड और ये जा रहा है इसका डायगनल, बस पैरेललोग्राम उल्टा हो गया बस। तो वेक्टर आर बराबर वी फाइनल प्लस माइनस माइनस वी इनिशियल, अब मॉड इसी का ही तो मांगा है भाई, इसी का तो मॉड मांगा है, इधर मॉड लगा दो, इधर लो यही तो चेंज इन वेलोसिटी, अब बताओ क्या दिक्कत है। अब बताओ क्या तुम रिजल्टेंट का मॉड निकालने का तुमको फॉर्मूला नहीं पता है, आर बराबर क्या होता है, रूट ओवर पहले वेक्टर का स्क्वायर, तो फर्स्ट वेक्टर कौन है आपका भाई, ये ए, ये बी है, फर्स्ट वेक्टर का मॉड वी, वी का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर का मॉड माइनस वी का मॉड भी वी ही है ना, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, ठीक। तो 180 माइनस थीटा, ठीक। तो यहां से आएगा आर बराबर रूट ओवर वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, कितना होता है 2 वी स्क्वायर, और ए की जगह भी वी और बी की जगह भी वी, तो वी इंटू वी कितना हो जाएगा आपका, वी का स्क्वायर, सही है ना। तो यहां से आ जाएगा 2v स्क्वायर,
cos 180 माइनस थीटा क्या होता था, याद करिए, cos 180 माइनस थीटा क्या होता था आपका, ये होता था आपका माइनस cos थीटा, अगर आपको याद हो कौन से है ना, ये सब मैंने आपको बताया, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, क्या हो गया, आवाज नहीं आ, थीटा, हाँ माइनस, ये बताया ना आपको cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। अरे भैया 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 कहाँ हो तुम, वाले टॉपिक में चले गए ना जो मैंने कल पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जो है ये वाला एंगल मत ले लेना, ये ले लेना, क्योंकि हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, आज फिर से फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं यहां पे भाई, कितनी देर से क्या समझा रहा हूं आपको, इस बार किसका रिजल्टेंट निकालना है, एक तरीके से वी फाइनल का और वी इनिशियल के नेगेटिव का, तो इसका और इसका रिजल्टेंट तो ये आएगा ना, तो इन दोनों के बीच ही तो एंगल देखोगे आज, यही एंगल तो देखोगे, क्या दिक्कत है बताइए, ये आ जाएगा क्या cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ओके, तो यहां cos थीटा आ गया, मतलब माइनस cos थीटा आया था, cos 180 माइनस थीटा की जगह माइनस cos थीटा माइनस आ गया, ये हो गया, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, r बराबर, यहां से आप कॉमन ले लोगे क्या, 2v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस cos थीटा, सही है। अब यहां से हो जाएगा r बराबर, और यही r मैंने आपको बता दिया, यही r क्या है, यही r क्या है, मोड ऑफ r है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। अब यहां से रूट टू तो चलो ऐसे ही रहेगा, और v स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा v, और सुन लो, रूट ओवर 1 माइनस cos थीटा बचा, इसको हाफ एंगल फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और ये मैं आपको अलग से निकाल के दिखा देता हूं। हाँ भाई देखो, हमने क्या पढ़ा था, cos थीटा के फॉर्मूले बेसिक मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ाए थे, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस 2, 1 माइनस, ओके, सो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ाया गया था, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा था, एक और फॉर्मूला था इसका क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, आज हम ये वाला यूज करेंगे, ऊपर वाला, ठीक। तो इसको इधर लेके आओगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो 1, और ये cos 2 थीटा उधर चला गया तो माइनस cos 2 थीटा आएगा, एंगल हाफ करो, एंगल हाफ करो, तुरंत एंगल हाफ करो, 2 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, मैंने क्या पढ़ाया था, इधर भी एंगल हाफ करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर एंगल हाफ करो तो cos 2 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, थीटा, और यहां एंगल हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, और थीटा का हाफ होता है थीटा बाय 2, लो तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे आप यहां पर, या एक काम कर लो भैया, रुक जाओ, आर बराबर रूट ओवर 2 वी स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, चेक कर लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक। तो r बराबर 2 टू द 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, v स्क्वायर का स्क्वायर रूट v, और sin स्क्वायर का स्क्वायर रूट sin, sin थीटा बाय 2, भैया याद कर लो, जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से किसी सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा तो थीटा एंगल घूमने के बाद उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसका मैग्नीट्यूड होता है क्या, 2v sin थीटा बाय 2, 2v sin थीटा बाय 2, ठीक। अब सवाल में जिस हिसाब से सिचुएशन दी हो उस हिसाब से थीटा रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए कि कोई सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल घूम रहा है और उसने बोला कि आफ्टर हाफ साइकिल, है ना, वो यहां से चलना शुरू किया और यहां पहुंच गया, वी स्पीड उसकी ऐसी थी और वी स्पीड उसकी ऐसी थी, ठीक, यहां से चला और यहां घूम गया, आफ्टर हाफ साइकिल कितना थीटा बनेगा, 180, क्यों भाई, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ऐसे, तो यहाँ वेलोसिटी वेक्टर ऐसा था यहाँ, और शर्त क्या है कि स्पीड कांस्टेंट है, शर्त क्या है, स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, सही है। तो उसने बोला व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, उसने सवाल में पूछा आपसे व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हो, आर बराबर कितना होता है, 2v sin थीटा बाय 2, ठीक, 2v sin थीटा बाय 2, So, R का मतलब वही है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V का मॉड,
ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज इन वेलोसिटी का मॉड क्या आ जाएगा, 2v into sin, और थीटा की जगह कितना रखेंगे बताइए, 180, तो 180 by 2 कितना हो जाएगा 90, सो आ जाएगा 2v, ये लो है ना, sin 90 कितना होता है भाई, समझ गए ना, 180 by 2 90, sin 90 कितना होता है 1, तो 2v into 1 यानी कितना आ जाएगा आपका 2v, और सुनो प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो, सही बात तो है, इधर वेलोसिटी ऐसी थी, इधर वेलोसिटी ऐसी, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर आप निकालोगे यहां पे, चेक कर लो, चेंज इन वेलोसिटी यदि निकालोगे डेल्टा वी, तो क्या आएगा, वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल, ओके, और मॉड लेने के लिए बोला है तो मॉड ले लोगे, ठीक है ना, सो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी इज अ वेक्टर व्हिच इज गिवन बाय वी फाइनल, कितना है चेक कर लीजिए, वी फाइनल कितना है, वी है वेक्टर माइनस वी इनिशियल कितना है, वी है, सही है, अब या आप ऐसे कर दो इसको, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, अब क्या हो रहा है, वी फाइनल में से वी इनिशियल को सबट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, वी फाइनल, ये रहा वी फाइनल, ठीक, और ये रहा आपका v इनिशियल, अब बताइए सबट्रैक्शन के केस में क्या पढ़ाया गया, जिसमें से जिसको माइनस करना हो, किसको माइनस करना है, v इनिशियल को, तो ये सबट्रैक्शन वाला केस है, तो v फाइनल तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि v फाइनल में से सबट्रैक्ट करना है, तो वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा, v फाइनल तो ऐसे ही रहेगा, और v इनिशियल को सबट्रैक्ट करना था, जिसको सबट्रैक्ट करना होता है उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हो, तो इसकी डायरेक्शन पलट जाएगी, ऊपर से जस्ट नीचे आ जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, लो अब बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, हाँ, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो आंसर क्या आना चाहिए, v प्लस v बराबर 2v, और वही चीज फॉर्मूले से आई है, चेंज इन वेलोसिटी कब, जब वो हाफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, यानी कि थीटा कितना हो जाता है 180 डिग्री, कोई डाउट है बताइए, और इसी तरीके से जब थीटा कितना हो जाता है आपका 90 हो जाता है, तब अगर मान लो केस उसने दे दिया इस तरीके से, कोई पार्टिकल है 1/4 साइकिल कंप्लीट करता है, यानी कि यहां पे वेलोसिटी उसकी वी थी, और 1/4 साइकिल का मतलब वो यहां आ चुका है, तो थीटा कितना हो जाएगा इस बार 90 डिग्री, सही है, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो आप क्या लगा दोगे यहां से, चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज गिवन बाय 2v sin थीटा बाय 2, यानी कि 2v sin और थीटा की जगह 90, 90 बाय 2 45, sin 45 क्या होता है 0 1 1 2 1 1 √2 है ना, सो क्या आ जाएगा 2v बाय √2, रिस्लाइज कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 2v बाय रूट टू इंटू रूट टू बाय रूट टू है ना, सो आ जाएगा रूट टू वी, ये लीजिए, और अब ये वाली सिचुएशन में यदि आप देखें, ध्यान से चेक करो, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 है, क्यों, जितना यहाँ पे एंगल होता है वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है फाइनली, बताया था अभी, ठीक है, ये लो, अब बताओ ऐसा पीछे नोट्स लिखवाया गया आपको, जल्दी बताओ नोट्स लिखवाया गया, P P इक्वल हो, दोनों के बीच में एंगल 90 हो, तो रिजल्टेंट कितना आता है, तो रिजल्टेंट कितना आता है, तो रिजल्टेंट कितना आता है, बताओ बताओ सर, प्रोसेस को याद करना इंपॉर्टेंट है या फॉर्मूले से, सुनो भाई देखो होता क्या, मैं आपको बताऊं कि आपको कहीं कॉलेज बढ़िया चाहिए तो आपको सवाल सही करना जरूरी होता है, वहां पर याद रखिएगा, ज्यादा देखो भाई टॉप ऑफ करना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, एक मेरा क्या मानना है, मेरा मानना भाई एक सीट निकाल लो वही बड़ी बात है, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं बस, है ना भाई, तुम अंदर तो घुसो ना कॉलेज के, सीट निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक सीट तो मिल जाए मुझे, एक तो मिल जाए कोई, है ना, फिर तो मैं आगे पढ़ाई कर लूंगा, मतलब कभी मेहनत कर लोगे, सबकी अपनी किस्मत होती है अपने टाइम पे, कभी ना कभी आगे कुछ बढ़िया करोगे भाई, टॉप वन थोड़ी ना लाना है, रैंक वन आ जाए तो अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूं इस बात पे जो आपने पूछा ना, प्रोसेस को याद करना इंपॉर्टेंट है या फॉर्मूला, देखो वहां पे एग्जाम में लक भी होता है भाई, तुम याद करके गए भूल गए, लेकिन अब तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें लग रहा है ये क्वेश्चन तुम्हें नंबर दे सकता है, तो भाई तुम पूरा प्रोसेस लगा के है ना क्वेश्चन को हैंडल करके लेके जाओगे, मान लो भूल गए तो रिस्क थोड़ी ना लोगे, ठीक है, तो कम से कम तुम्हें नंबर तो मिल जाएंगे, जैसे ही नंबर मिलेंगे तो तुम कई बच्चों से आगे निकल जाओगे, ये गेम होता है यहाँ पे, मतलब कम सवाल करो लेकिन सही करो, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, प्रोसेस हाँ याद करना पड़ता है, प्रोसेस याद कर लो, वैसे तो जब आप खूब प्रैक्टिस करते हो तो फॉर्मूले वगैरह याद ही हो जाते हैं, प्रोसेस आपको बता दिया जाता है ताकि आपको कभी समस्या हो तो आप प्रोसेस के थ्रू होके यहाँ पर आ जाओ, बहरहाल अब आप अपने इस सवाल पे आ जाओ भाई, उसने क्या बोला, अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अब उसने हमको सवाल में क्या दिया 60 डिग्री, जनरलाइज केस में कर चुका हूं, थीटा की जगह मैं 60 रखूंगा आंसर आ जाएगा,
रख दो आंसर, आप कर लोगे, करो आंसर भाई। कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का? डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2v, और साइन है ना थीटा कितना है, 60, तो 60 बाय 2 है ना, 60 बाय 2 30, सो 2v और साइन 30 है ना, साइन 30 कितना होता है भाई, 1/2, सो 2v into 1/2, 2 से 2 गया, v आ गया, ठीक v आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर एक क्वेश्चन में आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा सीखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हर एक सवाल डिफिकल्ट नहीं होता है, इतने मत परेशान हो कि हर एक सवाल ही थोड़ी ना डिफिकल्ट होगा भाई, अगर तुम आसान आसान भी पढ़ के जा रहे हो ना, आराम से हो जाता है ना, कोई डिफिकल्ट के चक्कर में पड़ा हुआ है, ठीक है, तुम्हारा इजी वाले क्या इजी सवाल नहीं आते, इतने सारे सवाल कराए, देखो कितने इजी इजी सवाल आते हैं, एंगल निकालने के सवाल आए, ऐसा थोड़ी ना कि भाई तुम डिफिकल्ट आ जाएगा तो उसमें तुम पेपर में ढूंढोगे कि डिफिकल्ट कौन सा, मैं तो यही करूंगा, ऐसा नहीं होता है, डिफिकल्ट वाला कोई कर भी नहीं पाता जल्दी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती तब कोई करता है, तो कोई बात नहीं, इतना जितना भी टाइम होगा वहाँ आपको इजी इजी क्वेश्चन ही करने में टाइम निकल जाएगा, और वैसे ही अगर आप वही सब सही कर दोगे वही बहुत है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल टू जीरो, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ विच of the following may be zero, ठीक, तो इसमें से किसका resultant zero हो सकता है, ऐसा पूछा है। ऑप्शन ए देखिए, 10 newton, समझ जाना, 10 newton फोर्स है, उसके बाद 10 newton एंड 25 newton, ठीक, उसके बाद है सी 10 newton एंड 35 newton है ना, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीस। अब सुनो ध्यान से, यहां पर देखिए ध्यान से, इसमें इन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी जीरो है ना, किसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, तीन वेक्टर अगर हम 10 newton 10 newton 10 newton ले, उनका तीन वेक्टर 10 newton 10 newton 25 newton मे बी जीरो, मतलब जीरो हो सकता है ये पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा लॉ ऑफ पॉलीगन का, ठीक, तो और वहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, एक नोट्स लिखवाऊंगा वो आपको लिखना है, क्या देखिए किसी पॉलीगन के अलोंग, क्योंकि तीन वेक्टर की बात हो रही है, तो किसी पॉलीगन के साइड्स के अलोंग तीन वेक्टर अगर दिखाओगे, वेक्टर ए याद है, वेक्टर बी और मान लो ये वेक्टर सी, ठीक है, तो वेक्टर ए और ये हो गया आपका वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर सी, तो याद है इसका रिजल्टेंट कैसे दिखाते थे, इनिशियल को फाइनल से, याद आया, बताओ यही इसका रिजल्टेंट है, भूल चुके हो, ये तो याद होगा, ठीक, यानी कि यहां पर जो रिजल्टेंट आर है वो भी एक वेक्टर है, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, वेक्टर ए बी और सी का क्या करके, एडिशन करके रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आ रहा है, ये देखो इतनी लेंथ का रिजल्टेंट आ रहा है, लेकिन उसने बोला कि भैया इसमें से कौन से ऐसे तीन वेक्टर हैं जिसको हम लें कि रिजल्टेंट क्या हो जाए, मे बी जीरो हो जाए, अब बताओ रिजल्टेंट जीरो करने के लिए क्या करोगे, सुन लो आपको वो कहना चाहता है कि भैया देखो ये जो है ना रिजल्टेंट ये जीरो वेक्टर हो जाएगा, यानी कि जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, या आपको ऐसे नहीं लिखना, आप ऐसे लिख दो ये रिजल्टेंट ही जीरो हो गया, जीरो वेक्टर लो, ठीक, मतलब मॉड ऑफ आर कितना हो जा रहा है इनके हिसाब से जीरो, ठीक, तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, मॉड ऑफ आर को जीरो करने के लिए क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, ये देखिए ये ऑर्डर में लगे हुए इस तरीके से, और ये कम होता जाएगा, क्या आप सोच सकते हैं इसके विषय में, ए ऐसा दिखेगा, ठीक, बी ऐसा दिखेगा, जरा देखना, और सी ऐसा जब दिखेगा, सुन लो ध्यान से, तो आर और छोटा हो जाएगा, आर को एकदम खत्म कर दो तो सी ऐसे करके गिरेगा इसके ऊपर ऐसे, और सी का हेड ए की टेल में मिलेगा आके, यानी कि सिचुएशन ऐसी होगी, वेक्टर ए ठीक और वेक्टर बी और वेक्टर सी, आया कि नहीं आया बताओ, आया भाई, आर खत्म हो जाएगा ना, मैं थोड़ा ना कह रहा हूं, वही लोग तो कह रहे हैं कि आर है ही नहीं, वाह रिजल्टेंट ही नहीं है, तो भाई रिजल्टेंट नहीं है तो क्लोज पॉलीगन बनेगा अभी तीन साइड का, क्योंकि तीन ही फोर्स की बात करी है पूरे क्वेश्चन में, बताइए।
अब सुनिए, अगर आपके पास कोई क्लोज पॉलीगन हो, सुन लो, कोई क्लोज पॉलीगन हो और उस क्लोज पॉलीगन समझते हो, ऐसा कैसा भी पॉलीगन हो, कॉपी में नोट लगाएंगे, ये देखिए, ये लो भैया, ऐसा दे दिया, लो है ना, लो है ना, कह रहा है ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ठीक, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, हाँ, और कह रहा है ये वेक्टर ई है। मैंने कहा ठीक है भाई, कह रहा इसका रिजल्टेंट बता दो। अरे भाई इसका रिजल्टेंट तुम कहां से बता दोगे, इसका रिजल्टेंट जो है वो लिखने को तो आप ऐसे लिख दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू नल वेक्टर है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये बड़ा अच्छा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ए बी सी, इसमें तुम्हें इनिशियल से फाइनल मिलाने का मौका मिल रहा है। इसमें तुम कहां से इनिशियल से फाइनल मिलाओगे, ये इनिशियल था ए का और ये ई का फाइनल है। अब बताओ क्या आर के मिलने की गुंजाइश है, कहीं नहीं, जो इनिशियल है वही फाइनल है। तो ये आर कितना हो गया, जीरो हो गया, कोई डाउट है बताइए। तो व्हेन द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ क्लोज पॉलीगन इन ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। इफ कॉपी में नोट लगा लो, इफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, सुनो, क्या यहां वेक्टर क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं? नहीं, वेक्टर तो तुम्हारे ए बी और सी थे ना व्हाइट कलर से, ये क्लोज थोड़ा ना क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं। क्लोज पॉलीगन तो तब बना जब तुमने आर को बनाया, लेकिन आर तो रिजल्टेंट है ना, केवल इन तीनों को देखो, उन्होंने क्लोज पॉलीगन नहीं बनाया था। लेकिन इन सब वेक्टर को देखिए, इन तीनों वेक्टर को देखिए, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्लोज ट्रायंगल बना रहे हैं, यानी कि क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं, कोई रिजल्टेंट नहीं यहां पे। यहां पे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं। तो इफ द वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द sides, if the vectors are represented by the sides of closed polygon in order, their resultant is zero. Then resultant is zero vector, null vector. आया कि नहीं आया? तो अब एक बार बताओ, ध्यान से चेक करो, इन्होंने हमें तीन फोर्स दिए और कहते रिजल्टेंट जीरो हो जाए, तो ये क्लोज पॉलीगन बनाएंगे, यानी क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे पक्का। ये लो, ठीक। अब सुनो, और बनाएंगे भी तो कैसे बनाएंगे, वो थोड़ा सा देखिएगा जरा, ऑर्डर में होने चाहिए ये इस तरीके से, ठीक। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, सही है। अब सुनिए ध्यान से, अब यहां पर ये जो ट्रायंगल की लेंथ है, मतलब जो साइड की लेंथ है, वो किसको बताती है, मैग्नीट्यूड को, वो किसके बताती है, मैग्नीट्यूड को। अब सुनो, मतलब उसकी साइड 10 10 10 होंगी या 10 10 25 होंगी या 10 10 35 होंगी। अब यहां पे ट्रायंगल का क्लास 9 का बेसिक रूल लगेगा। ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती थी, कंडीशन ऑफ ट्रायंगल क्या होती थी बताइए, कंडीशन ऑफ ट्राइंगल क्या होता था बताइए, सम ऑफ एनी टू साइड्स, याद है? ये एक ट्राइंगल होता था छोटी क्लासेस में, ए बी सी के साइड्स होते थे हीरोन्स फॉर्मुला वाले चैप्टर में, तो दो किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड वाले से ग्रेटर होता था, याद करिए, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, या बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए आना चाहिए, या सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी आना चाहिए। ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब आप चेक कर लो, अगर इसके साइड 10 10 10 ले लें तो क्या ये रूल फॉलो हो रहा है, 10 प्लस 10 20 हमेशा वो 10 से बड़ा होगा थर्ड साइड से, ये वाला 10 प्लस 10 20 ये इससे बड़ा होगा, ये वाला 10 प्लस 10 20 इससे बड़ा होगा, ये मुझे सही लग रहा है, ठीक। यानी कि स्थिति कुछ ऐसी होगी, 10 न्यूटन का वेक्टर और ये भी 10 न्यूटन का वेक्टर। दूसरा देखते हैं, यहां गलत हो गया, 10 प्लस 10 20 जो कि थर्ड साइड से छोटा हो गया, टू साइड्स का सम थर्ड साइड से छोटा हो गया, ये गया, यहाँ 10 प्लस 10 20 35 से छोटा हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि ए वाला पॉसिबल हो सकता है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया बताइए, आया? अब सुनो, अगर आया तो इसको पकड़ लो नए पेज पे, जरा यहाँ पे आ जाओ, क्या था, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और अभी अभी आपने एनालिसिस करी है थोड़ी सी, तो आपको पता चला है कि भैया ये भी 10 न्यूटन है ना, ये भी 10 न्यूटन
और ये भी 10 न्यूटन, अब बताओ और ये 10 न्यूटन किसको बता रहे हैं बताइए, ट्राइंगल के, ट्राइंगल के साइड्स के लेंथ को, क्योंकि ट्राइंगल का जो साइड्स का लेंथ होगा वही मैग्नीट्यूड को बताएगा, 10 10 10, यानी कि तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। क्या रिपीट करें, क्या क्या रिपीट करें बताइए, क्या रिपीट करें बताइए, मैं कह रहा हूं कि ट्राइंगल के होने की क्या कंडीशन होती है, कि किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड वाले से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन ए कैसे हुआ, अरे भाई ऑप्शन ए इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे देखो जरा ध्यान से, किन्हीं भी दो साइड्स का सम, ये देखो ना 10 + 10 ये वाले ले लो तो ये वाले 10 से ज्यादा आ रहा है, 10 + 10 ये वाला ले लोगे तो इससे ज्यादा आ रहा है, ये वाला 10 + 10 ले लोगे तो इससे ज्यादा, भाई किन्हीं भी दो साइड का सम कर लो, 10 + 10 थर्ड वाले से ग्रेटर आना चाहिए, 10 + 10 थर्ड वाले से ग्रेटर आना चाहिए, समझे। और क्योंकि ट्राइंगल की यही कंडीशन होती है ना कि किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड वाले से ग्रेटर होता है, ठीक। यहाँ पे देखो 10 + 10 = 20, वो 25 से ग्रेटर नहीं हो रहा है, 10 + 10 = 20 यहीं पे फेल हो जा रहा है, 35 से ग्रेटर नहीं हो रहा, तो आगे क्या चेक करोगे, कोई डाउट है बताइए। हर एक पेयर को चेक करना है, जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे तो हो रहा है 10 + 25 = 35, 35 > 10, नहीं भैया हर एक पेयर को चेक करना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक। नाउ ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन तो हुआ, लेकिन अब आप यहाँ पे आओ जरा, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर ये 10 10 10 है तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटरल 60 60 60, लेकिन टू वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 नहीं है, वो 120 है, चेक कर लीजिए, ठीक। अगर मैंने आपसे पूछा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, तो जवाब है 120, सही है। और सुनो, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल कितना है, 120, ठीक। और इसी तरीके से वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना है, 120, ठीक है। तो वेक्टर्स के बीच के एंगल कितने हैं, 120। अब जरा ध्यान से चेक करिएगा, वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट करो, या आप एक कार्टेशियन सिस्टम बना लो पहले, ये इस तरीके से लो, ठीक। वेक्टर ए को इधर शिफ्ट कर दो, लो, ठीक है। अब बताओ वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी कितना एंगल बना रहा है, वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी कितना बना रहा है, और वेक्टर ए था कितना, 10 न्यूटन, तो इधर मैं लिखूंगा 10 न्यूटन, लो, ठीक। ये वेक्टर ए है और इसके साथ वेक्टर बी कितना बना रहा है, ये लो। अब वेक्टर बी को ए के साथ को इनिशियल कर दिया, कर सकता हूं बिल्कुल भाई, ए को आगे खिसका दो ना ऐसे करके, समझो, ए को पकड़ के ऐसे खिसका दो तो बी और ए को इनिशियल हो जाएंगे, ये करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक। तो वेक्टर बी आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, 10 न्यूटन का वेक्टर बी, लो, ठीक। और वेक्टर सी ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर वेक्टर सी जो है वो बी के साथ 120 बना रहा है, तो वेक्टर सी आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये वेक्टर सी है, अलग कलर से क्यों बनाया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लो, वेक्टर सी भी कितना है, 10 न्यूटन है, सही है। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना है ए और बी के बीच का, 120 है ना, और ये बी था ये सी, बी और सी के बीच भी कितना है, 120, सही है, और ए और सी के बीच भी कितना है, 120, लो, सही है, 360 हो गया। एक तो ये बात, अब सुनो, आप अभी सी को छोड़ दो, ये सी है भाई, लिख दे रहा हूं, लो, ये बी था और ये ए था, अब आप एक काम करो, सी को छोड़ दो सी को, आप केवल ए को देखो, बी को देखो, ए और बी के बीच एंगल कितना, 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 120, और ए और बी की वैल्यू सेम है, तो याद है पी और पी वैल्यू सेम, एंगल 120, तो इनका रिजल्टेंट कितना आता था, इनका रिजल्टेंट कितना आता था, इसका इसका रिजल्टेंट आएगा ऐसे करके बीचों बीच से, कितना, ये आर ए बी है, ए और बी का रिजल्टेंट है, कितना आएगा, 10 ही आ जाएगा, याद है दो वेक्टर सेम होते थे उनके बीच एंगल 120 होता था, तो आंसर पी आ जाता था, ठीक। अब बताओ, अब क्या हुआ, ध्यान सुनो, ए का खेल खत्म, क्योंकि और बी का खेल भी खत्म, ए और बी का रिजल्टेंट ये जा रहा है, अब इसका इसके साथ रिजल्टेंट निकालोगे, लो भैया 10 उधर 10 उधर, दोनों अपोजिट, नेट नेट कितना आएगा, 0, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, नेट 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 कितना आ जाएगा भाई, दोनों अपोजिट में है तो 10 - 10 कितना आ जाएगा, ए माइनस बी वाला फॉर्मुला लगेगा, ठीक है, 10 मतलब ए की वैल्यू भी, ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी है ना, तो लो 0 आया, मतलब 10 10 10 लेके उसको एक ट्राइंगल के साइड्स के अलोंग लगाने के बाद एनालिसिस करके मैंने आपको दिखा दिया कि पुराने वाले टॉपिक्स को भी ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। बहरहाल ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप सोचना सीखें। नेक्स्ट सवाल
नेक्स्ट सवाल देखो भाई, देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, इफ मॉड ऑफ ए प्लस बी, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल्स टू वन, है ना, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, ठीक है, सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज दिया है आपको कितना, 0 डिग्री, ऑप्शन बी इज 90 डिग्री, ऑप्शन सी इज 45 डिग्री, एंड ऑप्शन डी इज स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। सही है, तो एक बहुत अच्छा सवाल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब देखो, देखो कुछ बच्चे इसको पढ़ना नहीं जानते हैं, इसको पढ़ो पहले क्या लिखा है। ये कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन किया गया और जो भी आंसर आएगा, कौन सा एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक, वेक्टर ए और बी का वेक्टर एडिशन किया गया है और जो भी सम वेक्टर एडिशन का जो रिजल्ट आया, जो वेक्टर उसका मॉड लिया गया आया, और इसी तरीके से वेक्टर ए और का वेक्टर ए में से वेक्टर बी सब्ट्रैक्ट किया गया, वेक्टर सबसेक्शन है, और मैंने आपको बताया था वेक्टर सबसेक्शन भी एक तरीके से वेक्टर एडिशन ही होता है, बस बी की डायरेक्शन रिवर्स करके ए के साथ ऐड कर दिया गया होगा। तो सुनो, ए माइनस बी करके जो वेक्टर आ रहा होगा उसका मॉड लेके दोनों का रेशियो लिया गया है, तो आंसर कितना आ रहा है, 1। बोलेगा सर कैसे भाई, एक बार बताओ, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, दो वेक्टर का सम एक वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक वेक्टर, सॉरी, दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन एक वेक्टर, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक नंबर, दो वेक्टर का सबसेक्शन एक वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक नंबर, नंबर अपॉन नंबर, क्या नंबर नहीं आ सकता है, आ रहा है, ठीक। तो अब ध्यान से जरा चेक करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, ये नंबर उधर जाएगा तो 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड बराबर 1, जब इस नंबर में मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही आ जाएगा, इसको क्रॉस कराओ ना इधर ले आके, तो मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, सही है। अब सुनो भाई, ये क्या है, क्या है, क्या है, ध्यान सुनो, 2ab cos थीटा, मेरी कॉपी में गलत लिखा है, मैंने सॉल्व गलत किया, कॉस थीटा। अब सुनो भैया, एक बार बताओ, सुनो बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है, ये दो वेक्टर का एडिशन नहीं है, बताओ, हाँ ये लो वेक्टर ए और वेक्टर बी, सही है ना, और ये थीटा, ठीक, तो यहां पर रिजल्टेंट का रिजल्टेंट क्या होगा बताओ, ए प्लस बी होगा, यस सर होगा, सर सर कहाँ से जाएगा, लो भैया यहां से जाएगा कहीं से, ठीक, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड का तो फॉर्मूला पढ़ाया ना मैंने, कि अगर मैं मॉड ले लूं इधर भी और इधर भी, तो इसका भैया मॉड बढ़ा है ना, ए प्लस बी का मॉड मैंने रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, याद आया, ठीक। और इसी तरीके से मैंने आपको सबसेक्शन का भी फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, सबसेक्शन का भी फॉर्मूला एक स्पेशल ड्राइव कराया हुआ है, अगर आपको याद हो, याद है क्या करेंगे सबसेक्शन के लिए, अरे सबसेक्शन के लिए RS वाला फॉर्मूला, रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहां -2ab आ जाता था, याद है, कॉस थीटा। हाँ, तो एडिशन का जो रिजल्ट, एडिशन का जो रिजल्ट, दो वेक्टर का जो वेक्टर एडिशन है उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है, लेकिन दो वेक्टर के सबसेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, कॉपी खोल के देखिएगा, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos थीटा, पूरा डिराइव कराया है सबसेक्शन वाला केस, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहां से आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अच्छा यहाँ कॉस थीटा भी होना चाहिए था यार, लिखना भूल गया मैं, 2ab cos थीटा, है ना, 2ab cos थीटा, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर -2ab cos थीटा, लो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, और 2ab cos थीटा ये आएगा लेफ्ट में, तो प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, 4ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, सिंस 4ab कांट बी इक्वल टू 0, 4ab 0 हो नहीं सकता क्योंकि a और b हम नॉन जीरो वेक्टर मान के चलेंगे, ठीक है ना,
तो cos थीटा अगर 0 हो गया तो मुझे ये बताओ कि थीटा कितना होना पड़ेगा, पाई बाई 2, 90, चेक कर लो जाके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसको आप एज अ फॉर्मूला याद रखिए, यानी कि अगर कभी भी मॉड ऑफ a प्लस बी बराबर मॉड ऑफ a माइनस बी दिया हुआ है तो तुरंत समझ जाना दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है ना। ओके नाउ अब एक डायग्राम आपको दिखाते हैं इसी में, शायद आपको थोड़ा अच्छा लगे। ये वेक्टर ए है, ठीक, और वेक्टर बी ऐसे रहा होगा क्योंकि एंगल तो तुम निकाल ही चुके हो दोनों के बीच, कह रहे हो 90 है, ठीक। जब 90 होता था तो उसका रिजल्टेंट यहाँ आता था, और उसका रिजल्टेंट आता कितना था, रूट ओवर पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, ये आर की वैल्यू होती थी। अब बी को रिवर्स करके, ये बी को रिवर्स कर दिया, अब ए का माइनस बी के साथ रिजल्टेंट निकालोगे, और माइनस बी का मॉड भी कितना है, बी है, तो इसका रिजल्टेंट यहां से आएगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट यहां से आएगा, और इसका जो रिजल्टेंट है किसका, ए माइनस बी का, ये भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 cos 90 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सो अब आप ध्यान से चेक करो, ये जो निकल के आया यही तो मॉड है किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड है ये जो आ रहा है, और ये मॉड है किसका, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। अब बताओ दोनों के मॉड के बीच का ये एंगल कितना है, 90 तो है, यही तो निकाला है हमने, नहीं ये नहीं निकाला है, ओहो भाई गलती हो गई, सॉरी गलती, 90 है वो बात मैंने सही बोली, गलती हो गई, सॉरी। अरे बस ऐसा ही डायग्राम बना के दिखाया था, सॉरी वो नहीं, ना, मैं तो ए और बी के बीच एंगल निकालना था ना, हाँ तो ए और बी के बीच एंगल निकाला है हमने, निकाल लिया भाई, बस निकाल लिया और क्या, ठीक है, और डायग्राम ऐसे बस दिखा दिया तो मैं चल क्या रहा था, ठीक है, कि ए और बी के बीच जब एंगल इक्वल होगा तो सिनेरियो ऐसा कुछ रहेगा, ए प्लस बी का भी मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा और ए माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड उतना आएगा, हाँ, और यही क्वेश्चन में दिया था, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल था, चेक कर लो, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल था, है ना, था, तो ये ऐसा डायग्राम उसका रहा होगा, और पक्का ऐसा तभी होगा जब ए और बी के बीच एंगल कितना होगा, 90 होगा, ठीक। अब इसी पे बेसिस पे एक सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ सवाल देखो कैसे पूछा, अब क्या ही तुमसे पूछे ये सवाल पता है क्या क्वेश्चन में किया, वो सुन लो तुम, सवाल उसने पता है क्या किया, इस बार उसने कहा इफ, अब ये नहीं दिया उसने एग्जाम में, देखो इसी का एक सवाल देख लो जरा यहीं पे साइड में, बस उसने क्वेश्चन इतना पूछा, कह रहा इफ मॉड ऑफ कैपिटल ए नाम रख दिया इस बार, भाई क्या चला जाएगा तुम्हारा बताओ, बराबर सेम सवाल पूछा है, देखो एक बार पूछा ऐसे रेशियो लेके, कह रहा रेशियो वन आ रहा है, भाई रेशियो वन आने का मतलब ही तो है मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी, है ना, और एक बार ऐसे पूछा और एक बार ऐसे पूछा, मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, ये लो अब बताओ एंगल कितना होगा इसका भी आंसर, तो थीटा पूछ लिया, थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पूछ लिया आपसे, तो भैया यही आंसर होगा और क्या दिक्कत है। हाँ कोई बच्चा क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर इनिशियल को फाइनल क्यू लेते, क्या इनिशियल को नेगेटिव क्यू लेते थे, डायरेक्शन क्यों चेंज होता था, क्या किसमें डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन इनिशियल को नहीं लेते थे नेगेटिव, ना, अरे भाई सुनो पुरानी रिकॉर्डिंग देखो जाके, अगर इतने लंबे लंबे डाउट आ रहे हैं तो इधर देखो जरा रिकॉर्डिंग जाके दोबारा देखिए, 2x पे आप जब इनिशियल को नहीं माइनस करते हैं, ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो मैंने बताया था बी की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो, है ना, जो पीछे लिखा होता है पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर जो पीछे लिखा होता है उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करते थे, ये लो और ए के साथ रिजल्टेंट ले लेंगे इसका, और ये क्या था आपका वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आया कुछ समझ में, कॉपी निकाल के देखिए, मैंने बी माइनस ए भी पढ़ाया हुआ है, अगर बी माइनस ए पूछता तब कैसे होता, ए की डायरेक्शन चेंज कर देते, ब्लू कलर से देखिए यहां पर ए ऐसा था ऐसा कर देते, लो
तो ये माइनस ए हो जाता। अब रिजल्टेंट कैसे आता, इधर आता रिजल्टेंट आर, और ये रिजल्टेंट बताता किसको। अब आप चेक कर लो, एक तरीके से वेक्टर एडिशन ही तो कर रहे हो, ये और ए किसका, इसका इसका किसका, बी का किसके साथ, माइनस ए वेक्टर के साथ। तो क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर ए। लो, कुछ समझ में आया कि नहीं आया बताइए, याद आया। क्वेश्चन देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी एन क्यू इज आर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू इज आर वेक्टर, आर वेक्टर इफ द वेक्टर क्यू इज रिवर्स्ड, इफ द वेक्टर क्यू इज रिवर्स्ड, क्यू इज रिवर्स्ड, देन द रिजल्टेंट एस, देन द रिजल्टेंट वेक्टर एस, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, देन चूज द करेक्ट। सही है, देखो ऑप्शन ए आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू इन द ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ऑप्शन बी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू इन द ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऑप्शन सी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ऑप्शन डी इज आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू इन द ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से चेक करो, इधर देखो कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर पी एंड क्यू इज आर, समझो ये देखो ये एक वेक्टर पी है ठीक, और एक वेक्टर ये क्यू है करेक्ट, इसका रिजल्टेंट क्या है आर है ठीक। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि भैया वेक्टर आर इज गिवन बाय वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर पी एन क्यू, है ना। और यहीं से एक बात और पता चली कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि आर का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड आर कैसे निकालोगे, रूट ओवर पी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू इंटू पी इंटू क्यू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू कॉस थीटा करेक्ट। नाउ अब ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला, कहा कि इफ द वेक्टर क्यू इज रिवर्स्ड, अगर वेक्टर क्यू को रिवर्स कर दिया द रिजल्टेंट वेक्टर एस, है ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाता है, एस हो जाता है, समझो। अगर उसने क्यू को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाता है आपका, एस हो जाता है। यहीं पे देखो कुछ ऐसा चल रहा होगा, क्या किया, क्यू को रिवर्स कर दिया, तो क्यू को रिवर्स तुम भी कर दो भाई, लो ठीक, यानी कि माइनस क्यू हो जाएगा। अब सुन लेना ध्यान से, तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है, किसके साथ, पी के साथ, पी वैसे ही है बस क्यू को रिवर्स कर दिया। तो अब ये वाले पी और ये वाले क्यू का रिजल्टेंट निकालना है, तो एक बार बताओ ये रिजल्टेंट किधर से जाएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, ये दोनों पैरेललोग्राम के साइड हो गए, ये रिजल्टेंट होगा, और नया रिजल्टेंट को उसने बोला, नया रिजल्टेंट क्या है, एस है। आया कि नहीं आया समझ में, बताओ क्या किया। ये बात जिसको नहीं समझ में आई, सवाल नहीं हो पाएगा, क्यू को रिवर्स कर दिया ठीक, और पी क्यू को रिवर्स कर दिया, तो क्यू ऐसा दिखाई पड़ेगा, अब माइनस क्यू दिखाई पड़ेगा। अब इसका पुराने वाले पी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट लेने पे नया वेक्टर एस आता है, पढ़ लो, ग्राफ क्यू इज रिवर्स देन द रिजल्टेंट एस, तो रिजल्टेंट एस हो जाता है। अभी बताओ ये एस कैसे आएगा, यहां से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, एस किसका किसका रिजल्टेंट है, वेक्टर पी का और प्लस माइनस वेक्टर क्यू का। तो एक तरीके से जो S है वो क्या है, P और Q का सब्ट्रैक्शन है, तो S का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले से आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा। अब कुछ लोग के दिमाग घूम गए होंगे, भाई ये थीटा था ना, ये थोड़ी ना चेंज हुआ अभी भी,
तो डेरिवेशन करते टाइम ये कितना आ रहा होगा, 180 माइनस थीटा आ रहा होगा, लेकिन डेरिवेशन से ही तो ये फॉर्मूला आया था सब्ट्रैक्शन के लिए, तो पी का क्यू के साथ सब्ट्रैक्शन करना है तभी एस मिलेगा, एस बराबर पी माइनस क्यू है, तो एस का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कॉस 180 माइनस थीटा थोड़ी ना रखेंगे, क्योंकि ये तो पहले ही फॉर्मूले में रख दिया गया था, तब आया था कॉस थीटा। और जिसको भरोसा नहीं है तो तुम पूरा फॉर्मूला लगा दो, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर और प्लस टू पी क्यू कॉस 180 माइनस थीटा करोगे, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहां माइनस आ जाएगा अपने आप, ठीक, ये हो गया। अब स्क्वायरिंग कर लो, क्यों सर, क्योंकि ध्यान से सुनिए सर, उसने आर स्क्वायर और एस स्क्वायर के बीच में रिलेशन आपसे पूछा हुआ है, ठीक, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। अगर आप इसमें स्क्वायरिंग करोगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा आर का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर है ना, और प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। और अगर आप इसमें स्क्वायरिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, एस का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ऑप्शंस मैच कराने। कैसे कराओगे ऑप्शन मैच, मान लो ये बन गई इक्वेशन नंबर वन, ठीक, और ये बन गई इक्वेशन नंबर टू, जाके मैच कराओ भाई, ध्यान से चेक करो क्या कॉस थीटा दिख रहा है कहीं, नहीं, कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है, तो कॉस थीटा को एलिमिनेट करने का साफ साफ तरीका दिखाई पड़ रहा है कि इक्वेशन वन को टू में ऐड कर दो, ये आपके दिमाग में भी आना चाहिए, ठीक, एडिंग वन एंड टू, वन और टू को ऐड करो, तो क्या है फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आर का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, और सेकंड इक्वेशन क्या है, एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा। अब बताओ क्यों ऐड कर रहे हो सर, सर ऑप्शन में कॉस थीटा आ ही नहीं रहा ना, तो टू पी क्यू कॉस थीटा ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव का कट जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, सो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर, टू कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, टू पी स्क्वायर और कुछ ऐसा, क्या ऐसा ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहता है इफ थ्री वैक्टर्स, इफ थ्री वेक्टर्स, अब देखो थ्री वेक्टर कौन कौन से दिए, F1 दिया है आपको, F1 नाम का वेक्टर है भाई, वेक्टर लगा दो यार, है ना, I कैप J कैप K कैप के फॉर्म में, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, F2 वेक्टर आपको दिया हुआ है सेकंड वेक्टर माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप और K कैप नहीं है इसमें, ठीक, एंड एफ थ्री दिया माइनस फोर फाइव के कैप, वेक्टर एफ थ्री इज माइनस कितना दिया भाई, माइनस फाइव के कैप माइनस फाइव के कैप, सही है, कह रहा आर एक्टेड ऑन अ बॉडी देन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, आर एक्टेड ऑन अ बॉडी, आर आर एक्टेड ऑन अ बॉडी करेक्ट, देन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज गिवन बाय, अब ध्यान देंगे जरा, ऑप्शन में दे दिया ऑप्शन ए अलोंग एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी इज अलोंग वाई एक्सिस, ऑप्शन सी इज अलोंग जेड एक्सिस, एंड ऑप्शन डी इज इन डिटरमिनेंट फॉर्म, ऑप्शन डी इज इन डिटरमिनेंट फॉर्म, सही है। अब सुनो, इनडिटरमिनेट मतलब नॉट डिफाइंड, अब सुनो एक बार बताओ, एक बॉडी है उस पर तीन फोर्स लगे, ठीक, एफ वन एफ टू और एफ थ्री, है ना, तो कह रहा है बॉडी पे रिजल्टेंट जितना फोर्स लगा उसके डायरेक्शन बताओ, भाई एक बार बताओ, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, ठीक, अब हम वेक्टर का एडिशन तो करेंगे लेकिन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या लॉ ऑफ ट्राइंगल से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वेक्टर आई जे के आपके फॉर्म में दिए,
भाई बॉडी पे तीन फोर्स लग रहे हैं ना, तीनों की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सबको इसी में मैग्नीट्यूड निकाल लोगे एफ1 का, यस सर, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक, मॉड ऑफ कह रहा हूँ सॉरी, रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का प्लस माइनस फोर का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर, ऐसा करते हैं, मतलब इसका 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 मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे, बस मैं ये कह रहा हूँ भाई आई कैप जे कैप के कैप इसकी डायरेक्शन को बता रहे हैं, तो ये अपने आप में फुल वेक्टर लिखा हुआ है विद द मैग्नीट्यूड और विद द डायरेक्शन, इसमें कोई कमी नहीं है, तो तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो निकालो पहले, सुन लो भाई, उस बॉडी पे ये तीनों मिलाकर जितना फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, लेकिन वेक्टर एडिशन यहां लॉ ऑफ ट्रायंगल या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से नहीं करना पड़ेगा, आई जे के कैप में दिया हुआ है तो आसान है एडिशन करना, तो भैया इनका रिजल्ट इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल लो, वो भी आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आएगा, तो आपको रिजल्टेंट फोर्स पता चल जाएगा, जब फोर्स पता चल जाए कौन सा वाला रिजल्टेंट वाला, तब उसकी डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है, अभी देखो अभी हम क्या करेंगे रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स तो निकालो, कैसे करोगे, जोड़ोगे ना आई वाले को आई वाले के साथ, तो थ्री माइनस थ्री कट जाएगा, फिर जे वाले के साथ आ रहा है करना, नहीं समझ पाए, ऑप्शन कौन सा बी, नहीं बी तो नहीं आएगा, पहले बताओ ये करना आया कि नहीं आया, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, ये बताओ मुझे कितना आएगा, जोड़ो भैया इसको, थ्री आई और माइनस थ्री आई जीरो, आई वाले को आई वाले के साथ, इसके साथ आई, अरे यार करना ही पड़ेगा पूरा, सुनो एफ वन क्या है बताओ, थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप है ना, एफ टू कितना है, एफ टू माइनस थ्री आई कैप माइनस थ्री आई कैप फोर प्लस फोर जे कैप, के कैप है नहीं तो प्लस जीरो के कैप, और एफ थ्री कितना है, आई वाला है नहीं इसमें कोई, यानी कि प्लस जीरो आई कैप प्लस जे कैप, यानी कि जीरो जे कैप और प्लस के कैप का मतलब माइनस फाइव के कैप, तो एफ आर कितना आ जाएगा, आप समझे एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री करने का मतलब, तीनों के आई वाले एक साथ ऐड करोगे, जे वाले एक साथ, के वाले एक साथ, कर लो और आंसर चेक कर लो, आई वाला थ्री माइनस थ्री जीरो प्लस जीरो 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 आई कैप प्लस माइनस फोर प्लस फोर जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो जे कैप और प्लस माइनस फाइव जीरो जीरो प्लस फाइव जीरो के कैप, अब बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कैसा वेक्टर आ गया, नल वेक्टर यानी कि जीरो वेक्टर, ठीक, जिसको नल वेक्टर बोलते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जीरो है और डायरेक्शन, नल वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती थी, नल वेक्टर की डायरेक्शन पढ़ाई थी कैसी होती थी बताइए, नॉट डिफाइंड, नॉट वेरी गुड, नॉट डिफाइंड को ही हम क्या बोलेंगे, अन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन,